हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। टुडे आई शैल डिस्कस्ड क्लास सिक्स्थ साइंस योर फर्स्ट चैप्टर सोर्स ऑफ फूड। पार्ट फर्स्ट में हम लोग इस चीज़ को रीड किए थे, इस पे डिस्कस किए थे कि फूड क्या है, फूड से हमें हमारे बॉडी का कौन सा फंक्शंस जो है होता है, कौन कौन से फंक्शंस हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है जो फूड के थ्रू होता है। विदाउट फूड का हम लोग नहीं रह सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे, पार्ट टू का है फूड वैरायटी, यानी कि फूड आइटम्स। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। कह रहा है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स खाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से वो बना हुआ रहता है। इस चीज़ को यहाँ पिक्चर में दिखलाया गया है कि हम लोग एक होम में बैठ करके टेबल पे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम खाते हैं। यहाँ क्लास मेंशन किया गया है कि क्लास सिक्स्थ हैज ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास पार्टी टुडे। आज जो है हम लोग क्लास सिक्स के स्टूडेंट क्लास पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है क्लास सिक्स के द्वारा। श्वेता हैज़ इडलीज इन हर टिफिन बॉक्स। श्वेता के पास क्या है, टिफिन बॉक्स में इडलीज है। राहुल हैज़ सैंडविच, निकिता हैज़ पूरीज एंड राज हैज़ स्प्राउटेड बीन सलाद। राज के पास क्या है, उखड़ा हुआ बीन्स और सलाद। इच स्टूडेंट हैज़ अ सरप्राइज फॉर द पार्टी। प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास कुछ न कुछ जो है पार्टी के लिए सरप्राइज है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम लाइक पूरी, ढोकला, उपमा एंड मच मोर। कह रहे कि डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, पूरी, ढोकला, उपमा एंड और भी बहुत सारे। दे आर मेड ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। ये फूड आइटम्स डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल से बना हुआ रहता है। द रॉ मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इन्ग्रीडियंट्स। कह रहे कि ऐसे फूड आइटम्स को बनाने में, मेकिंग करने में डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का हमें ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्ग्रीडियंट्स। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर राइस हमें बनाना हो तो अपने होम से राइस लेते हैं, टेक करते हैं, फिर वाटर लेते हैं, उसे बॉयल करते हैं। तो राइस जो हम लोग सर्व करते हैं फूड आइटम्स के रूप में, तो इसको बनाने में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज हुआ। क्या क्या यूज हुआ है, राइस का यूज हुआ है और वाटर का यूज हुआ है, राइस का यूज हुआ और वाटर का यूज हुआ। तो ये राइस और वाटर क्या हो गया, उस राइस के लिए उसकी इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो राइस जो हम सर्व करते हैं उसको मेकिंग करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट हुए, राइस और वाटर। सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल्स, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। करे कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। अगर हमें वेजिटेबल करी बनानी हो तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। डिफरेंट काइंड्स के वेजिटेबल्स की हमें आवश्यकता है, साल्ट की आवश्यकता है, स्पाइसेस की आवश्यकता है, ऑयल की आवश्यकता है। तो एक वेजिटेबल करी बनाने के लिए हम लोग को किस की आवश्यकता होगी, वेजिटेबल्स की, साल्ट, स्पाइसेस और ऑयल। तो वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस और ऑयल ये क्या हो गए, इन्ग्रीडियंट्स हो गए। क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स के। तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स। तो कोई भी फूड आइटम्स को बनाने में जो भी कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक्टिविटी फर्स्ट में है, राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फ्लोइंग फूड आइटम्स। जैसे इडली है, तो इडली को बनाने में हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, राइस की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, फिर रोटी को बनाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो उसको बच्चों इसमें नेम राइट करना है उसका।
सैंडविच बनाने में हमें कौन से फूड आइटम्स का यूज़ किया जाता है वो राइट करना है, ढोकला बनाने में कौन से फूड आइटम्स का यूज़ किया जाता है उसको राइट करना है। एक्टिविटी टू, टू फाइंड आउट वेरियस डिशेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। कह रहे कि इंडिया में के बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ के कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिशेस यूज किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स यूज किए जाते हैं। जैसे द नेम्स ऑफ डिशेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स आर गिवन बिलो, कुछ ऐसे स्टेट्स के डिशेस का फूड आइटम्स दिया गया है। विद इन द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, बिना अपने फ्रेंड्स का हेल्प लेकर के ये देख लाना है कि कहाँ पे कौन से स्टेट का फूड आइटम्स क्या है। जैसे रसगुल्ला है तो वेस्ट बंगाल का है, छोले भटूरे है, सैंडविच है, झालमुड़ी है, रोटी लस्सी आलू पूड़ी रोटला साग उसके कचौड़ी मक्के दी रोटी, ये मक्के दी रोटी सरसों का साग पंजाब का है, दाल मखानी रोगन जोश दम आलू डोसा गेट का साग दाल बाटी इडली, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फूड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में यूज किए जाते हैं जो फेमस है काफ़ी। जैसे स्टेट्स एंड देयर क्विजिन्स, अब है कि वेस्ट बंगाल का क्या चीज़ फेमस है, रसगुल्ला फेमस है तो वो राइट करना, पंजाब का क्या है मक्के द रोटी सरसों द साग उसको राइट करना, तमिलनाडु का क्या फेमस है बच्चों इसको फिल करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड, फूड किन किन सोर्स से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। हैव यू एवर थॉट वेयर डू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस डिशेस कम फ्रॉम। करा कि आपने कभी सोचा है कि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग फूड आइटम्स को बनाने में यूज करते हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त कर मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ राइस, राइस का सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्लांट से प्राप्त होता है। वेयर डज मिल्क कम फ्रॉम, मिल्क कहाँ से फाइंड आउट होता है, एनिमल से फाइंड आउट होता है। तो फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं कौन कौन से सोर्स से हमें मिलता है उसका नेम राइट करना है। जैसे राइस प्लांट से, दाल प्लांट से, बटर एनिमल से, इस तरह से सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स को राइट करना है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, कह रहा है कि मैक्सिमम फूड कहाँ से प्राप्त होता है हमें मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर जितने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन जो है तैयार करते हैं कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अर्थ के सरफेस से वाटर, और उसमें पहले से अवेलेबल होता है क्लोरोफिल, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये सारे प्रोसेसिंग होता है, और इस प्रोसेसिंग के थ्रू किसी भी प्लांट्स को फूड मिलता है, और इसी प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इससे बैक क्लास में फिफ्थ क्लास में हम लोग इस चीज़ को रीड किए होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। दे प्रिपेयर मोर फूड देन दे एक्चुअली रिक्वायर, दस ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स खुद खुद जो है अपने भोजन बना लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। They prepare more food than they actually require, कह रहा है कि वे फूड जो है अपने आप एक्चुअली वो रिक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। They store the extra food in the their different body parts, फिर अपने एक्स्ट्रा फूड को जो है कोई भी प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। दिज स्टोर्ड फूड मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स आर यूज बाय अस एज फूड, जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, स्टीम खाते हैं, किसी भी प्लांट्स का लीव्स खाते हैं, तो जो भी सारे फूड आइटम्स हैं वो प्लांट्स हमें प्राप्त होता है, और वो फूड आइटम्स प्लांट्स का फूड मटेरियल्स यूज किया जाता है फूड के रूप में। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो है फूड आइटम्स दिखलाया गया है जो प्लांट्स हमें प्राप्त होता है, टमेटोज चिली मजी ग्राम पल्स ग्रीन वेजिटेबल्स,
ये सारे फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से ही मिलते हैं। वी गेट द मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। करेक्ट, वी हमें बहुत सारे ऐसे मेजर फूड, मैक्सिमम फूड जो प्राप्त होता है वो ग्रीन प्लांट्स से ही प्राप्त होता है। वी गेट सीरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, ऑयल, शुगर एंड बेवरेज फ्रॉम प्लांट्स। ये सारे फूड आइटम्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स। अब है कि किसी भी प्लांट्स का कौन कौन से पार्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। रूट्स का यूज करते हैं, स्टीम्स का यूज करते हैं, लीव्स का यूज करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं, फ्रूट्स का यूज करते हैं, सीड्स का यूज करते हैं। तो हमारे द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का फूड आइटम्स में यूज किया जाता है। ये एक चार्ट दिखलाया गया है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। प्लांट, किसी भी प्लांट्स का जो पार्ट हम लोग खाने में यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट बोलते हैं। रूट्स में कौन कौन खाते हैं हम लोग प्लांट्स का पार्ट? कैरेट का, टर्निप का, रेडिश का, स्वीट पोटैटो का, स्टीम्स में शुगर केन, ऑनियन, जिंजर, लीव्स में मिंट, स्पिनच, कैबेज, लेटस, फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर, फ्रूट्स में एप्पल, गावा, मैंगो, क्रैप्स, वेजिटेबल में बीन्स, ककम्बर, ब्रंजल, सीड्स में व्हीट, राइस, किडनी बीन्स, क्यूमिन, नट्स में कैश्यू नट्स, ऑलमंड्स, वॉलनट्स, ग्राउंड नट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं खाने में। तो आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।